भाई लोग स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से भी देख ही लिया होगा, अपन बात करेंगे फ़ोन्स और लैपटॉप्स के बारे में कि आपको वो इंडिया से ख़रीदने चाहिए या फिर आपको डेनमार्क आके ख़रीदने चाहिए। कौन सा डिसीज़न होगा सबसे बढ़िया मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप अपना डिसाइड कर सकते हो। तो आज मेरा भी प्लान है एक नया फ़ोन ख़रीदने का। जब मैं इंडिया से आया था तो मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था और उसको लगभग 3.5 साल लगभग होने वाले होंगे, या 3 महीने 2 3 4 महीने कुछ। तो उसको चेंज करने का प्लान है। नया फ़ोन जो लेटेस्ट चल रहा है आजकल मार्केट में, आपको पता ही होगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो उसी को लेने की तैयारी है। तो अभी अपन चलेंगे एक शॉपिंग मॉल। मेन टॉपिक अपना यही होगा कि आपको अपने होम कंट्री से फ़ोन या लैपटॉप लेने चाहिए या फिर यहाँ पर आके ख़रीदने चाहिए। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो भाई, ये है अपना छोटा सा एप्पल, और ऐसे एप्पल यहाँ पे ना जाने कितने ही पड़े हुए हैं। ये देखो ये कितना सुंदर एप्पल है भाई, छोटा सा है, सड़ गया बेचारा पड़ा पड़ा। तो इनकी भाई बेकदरी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। इतनी पहले से अमीर कंट्री है ना, तो ये देखो गरीबी इन्होंने देखी नहीं है ज़्यादा। तो अभी ज़्यादा एप्पल नहीं है इस पेड़ पे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न जा रहा है, तो इसलिए ऑटम सीज़न शुरू हो गया है, तो ज़्यादातर जो एप्पल हैं वो ज़मीन पर गिर चुके हैं। और ऐसे एक ही पेड़ नहीं है ये, ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ हैं। तो भाई इस चीज़ को देख के बड़ा दुख हुआ। जब मैं नया नया आया था डेनमार्क में तो इनको पड़े देखा सड़कों पे, तो भाई दिमाग ख़राब हो गया। एक बार तो अच्छा भी लग रहा था कि ये कहाँ स्वर्ग में आ गया, पर दूसरी तरफ ऐसी फीलिंग आई कि यार एक तरफ अपनी कंट्रीज़ है जहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है, पॉवर्टी है, तो वहाँ पर लोगों को खाने को पैदा नहीं हो रहा, पानी के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पर बेतादार पानी है और बेतादारी खाने की वेस्टेज है। तो रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएँ डेनमार्क के, तो ये भी सुना है कि यार जितना यहाँ पे खाना खाया जाता है उससे 2 गुना या 3 गुना खाना यहाँ पे वेस्ट होता है, कचरे में फेंका जाता है। अपने कंट्री में भाई मजा ले ऐसे फ्रूट्स ज़मीन पे गिर जाएँ, उनको गिरने से पहले लोग उठा के ले जाएंगे। तो भाई यही दिखाना था, अभी अपन चलते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ और वहाँ पर अपना आईफोन प्रो मैक्स 13 क्या नाम है उसका जो भी, वो लेने चलते हैं और देखते हैं क्या प्राइस है और कब तक मिलेगा अपने को। फाइनली मॉल तो पहुंच गए हैं, और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये है फिस्केचोर मॉल। तो अभी बस अंदर चलते हैं इसके। तो ये है पूरी मॉल की बिल्डिंग, काफ़ी लंबा चौड़ा मॉल है ये डेनमार्क का। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई, उम्मीद है अंदर इतनी हवा नहीं चल रही हो साले, यहाँ तो हवा कभी रुकने का नाम लेती नहीं है। अभी अपन आए हैं एक एलगिगेंटन शॉप में, जो कि है यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की शॉप, काफ़ी बड़ा नाम है एलगिगेंटन डेनमार्क में। तो ये कुछ दुकान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी सारी वैरायटी है फ़ोन्स की, सैमसंग के फ़ोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये कुछ फ़ोन्स हैं यहाँ पे, ये कुछ फ़ोन्स हैं यहाँ पे, बाकी आईफोन्स हैं, मैकबुक्स हैं। तो किस किस की प्राइस दिखाई जाए भाई आपको। तो अभी अगर बात करें मैकबुक प्रो की, तो मैकबुक प्रो की प्राइस है यहाँ पे सबसे जो टॉप मॉडल है 24,999, लगभग 25,000 डैनिश क्रोन्स प्राइस है मैकबुक प्रो के टॉप मॉडल की। और क्या दिखा सकता हूँ यार,
ये रहा एक मैकबुक प्रो छोटे वाला। इसकी जो मैक्स प्राइस है टॉप मॉडल की वो है 12,999, लगभग 13,000 क्रोन्स। यहाँ पे रखे हैं कुछ गेमिंग सेटअप्स, गेमिंग कंप्यूटर जो लोग गेम वेम खेलते हैं। फ़ोन मैंने बुक कर दिया था आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB शायद जो होता है वो वाला, और जो उसकी रेट है वो पड़ी है मेरे को 10,600 क्रोन पर। अभी फ़िलहाल क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है डेनमार्क के, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि 22 अक्टूबर तक वो जो है डिलीवर हो जाएगा शॉप पे, तो आप वहाँ से पिकअप कर सकते हो। उसके अलावा जो फ़ोन है वो मेरे को पड़ा है 10,600 क्रोन का, और अगर उसको अभी करंट करेंसी कन्वर्जेशन रेट जो अभी अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग शायद 1,29,000 कुछ बनते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो भाई अब बात करते हैं अपनी होम कंट्री से, अपने को फ़ोन या लैपटॉप साथ में लेकर आना है या फिर यहाँ पे ख़रीदना है, क्या करना है भाई, क्या सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे अपन उन लोगों की जो आते ही बोलते हैं कि भाई बाहर कंट्रीज़ में एप्पल प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, तो मैं जाते ही भाई अपना मैकबुक और एप्पल फ़ोन लेटेस्ट जो भी चल रहा है वो ले लूँगा। तो भाई ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो आते ही यहाँ पे एक दो महीने में अपना लोन वोन पे ले लेते हैं फ़ोन्स वगैरह आईफोन, तो उन लोगों की बात नहीं करेंगे भाई, उन लोगों के शौक़ थोड़े बड़े हैं तो उनको अपने शौक़ पूरे करने दो। अपन बात करेंगे मेरे ऐसे लोगों की जो कि एक फ़ोन लेके आते हैं अपनी होम कंट्री से इंडिया से और लगभग 3-3.5 साल तक उसको घसीटते हैं जब तक वो 10 ही बोल जाता है, एकदम उसकी बैटरी डेड नहीं हो जाती। तो भाई लैपटॉप और फ़ोन में से सबसे पहले अपन बात करेंगे फ़ोन की, तो मैं बोलता हूँ भाई आजकल जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं इवन 10,000 रुपये के आसपास वाले वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में अपडेट आ रहे हैं, और मेरे को लगता है वो इंडिया यहाँ पे किसी भी कंट्री में भाई वो काम कर सकते हैं 10,000 के आसपास रेट वाले फ़ोन। पर अगर आप ज़्यादा ही सस्ते फ़ोनों पे चल जाओ कि दो कोई 2-4 हज़ार के जो फ़ोन चाइनीज़ मॉडल आते होंगे, तो भाई उनका मैं कोई भरोसा नहीं दिला सकता आपको, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उन फ़ोनों की कि वो चलेंगे ही चलेंगे। पर जो भी फ़ोन 10,000 के आसपास या उससे ज़्यादा के आ रहे हैं आजकल नए लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, तो भाई वो मेरे को लगता है आराम से चलेंगे। क्योंकि अगर मैं मेरी ही बात करूं तो मैं लाया था एक MI का फ़ोन जो कि मैं साथ में लाया हूं आज, मेरे ये रहा। तो ये मैं MI का फ़ोन लेके आया था अपने साथ में जब मैं इंडिया से आया था, तो इंडिया में भी मैंने ये लगभग 2.5 साल पहले ख़रीदा था जब मैं आया था 2018 में अगस्त में, उससे 2.5 साल पहले ख़रीदा था। और ये 2 साल बाद मेरे को पूरे नखरे देने लग गया था अपनी बैटरी के लिए, चार्ज ही नहीं होता था, और होता था तो फटाक से 1 घंटे में पूरी बैटरी ख़त्म। तो भाई जैसे ही मेरे को पता चला कि जो MI का फ़ोन है अपना दिक्कत देने लग रहा है, बहुत ज़्यादा बैटरी की प्रॉब्लम कर रहा है 2-2.5 साल बाद, और लगभग 1.5 महीने में मेरे को डेनमार्क के लिए निकलना था 2018 अगस्त में, तो मैंने डिसाइड किया एक नया फ़ोन लेता हूँ। फिर मैंने लिया था ये सैमसंग का फ़ोन, और अभी भी अच्छे से चल रहा है, इसको 3.5 साल कुछ हो गए, और अभी टाइम आप देखोगे तो इसमें 2 बज रहे हैं और इंडिया के 5:30, तो अभी भी सही चल रहा है। बस लास्ट हफ्ते से इसमें कुछ प्रॉब्लम देने लगी है कि बैटरी वगैरह का इशूज़ हो रहा है इस फ़ोन में। बाकी ये जो फ़ोन मैंने लिया था लगभग 3.5 साल पहले, तो लिया था 20,000 रुपये का, उस टाइम पे A5J5 कुछ नाम है इसका, पता नहीं क्या है, तो उस टाइम पे 20,000 का लिया था, और अभी एकदम बढ़िया चला भाई इसने डेनमार्क के आके, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो बाकी आप 10,000 के आसपास वाले कोई भी फ़ोन ला सकते हो, मेरे यहाँ पे दोस्त वगैरह मैंने देखा है कि काफ़ी लोग लाए थे इंडिया से फ़ोन, बढ़िया चल रहे थे। और बाकी एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि डेनमार्क में या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में शायद जो अपने फ़ोन्स की लाइफ है वो बेटर है कहीं ना कहीं इंडिया से, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बता रहा था MI वाले फ़ोन की बात, भाई इंडिया में जिसकी बैटरी इशू हो रहा था इसकी मैंने बैटरी भी नहीं बदलाई थी, सब सिर्फ मैं इंडिया से इसको अपने साथ ले आया था। मेरे को लगा भाई पीछे से घर वाले या छोटा भाई कोई मेरा फ़ोन मचकाएगा और कहीं इधर उधर की फ़ोटोज़ वगैरह सामने आ जाए तो मैं इसलिए ले आया था इसको अपने साथ में, अगर नहीं चलेगा ख़राब होगा तो उसको डेनमार्क में ही भाई इसका विसर्जन कर देंगे। पर फिर यहाँ पे आके देखा तो इस फ़ोन को मैंने चलाया और एकदम सही चलने लग गया भाई, उसके बाद में 2 साल और अच्छे से चला, फिर मेरे थोड़ा बहुत काम आ गया था यहाँ पे आने के बाद भी। तो यही बताना था भाई, अगर आपका 10,000 रुपये के आसपास का कोई भी एक नॉर्मल ठीक ठाक कंपनी का फ़ोन है तो ले आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। और मेरे को लगता है डेनमार्क के आने के बाद वो ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा बजाय कि वो जो इंडिया में दे रहा है। तो भाई ये तो बात हुई फ़ोन्स की, और अब बात अगर अपन करें लैपटॉप्स की, तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा लैपटॉप है जो कि एक अच्छी खासी स्पीड देता है चलने में, बहुत ज़्यादा अटकता नहीं है, स्लो नहीं है, तो भाई वो लैपटॉप ले आना अपने साथ में अगर आपके पास है ऑलरेडी। तो मैं i3, i5, i7 ये सारे प्रोसेसर तो आपको नहीं कहूँगा देखने को, क्योंकि अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं एक नया लैपटॉप ख़रीद के लाया था इंडिया से जब मैं आया था, और वो 30,000 रुपये का लैपटॉप था।
i3 उसका प्रोसेसर था। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में उस दिन भी इतना नहीं जानता था और आज भी इतना नहीं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इतना अपडेट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बस मैं लैपटॉप का लुक्स वगैरह देख के और ले आया था, मेरे को सुंदर लग रहा था और पहला लैपटॉप था मेरी लाइफ का, तो मैंने खरीद के उसको 30,000 रुपये का और ले आया। गलती मेरी ये थी कि मैं उसको इंडिया से ख़रीद के लेके आया, तो मेरी जो वारंटी गारंटी जो भी थी वो कुछ भी काम की नहीं थी। ऊपर से मैंने शायद उस शॉपकीपर को बता भी दिया था कि भाई मैं ये लैपटॉप लेके जाऊंगा एक फॉरेन कंट्री में, तो शायद हो सकता है उसने प्रोसेसर पार्ट्स वगैरह चेंज कर दिए हो, पता नहीं मेरे को। पर इसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही घटिया थी, सबसे ज़्यादा स्लो था पूरे कॉलेज में मेरा लैपटॉप। पर फिर भी भाई मैंने 2.5 साल इसको लेके खींच दिए अपने, और बाकी जो लास्ट का एक सेमेस्टर बचा था उसके लिए मैंने फिर एक नया लैपटॉप अपना ख़रीदा, क्योंकि उसमें मेरे को थीसिस वगैरह लिखनी थी, तो बहुत सारा कंप्यूटर वर्क होता है, पेपर्स आपके ऑनलाइन होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डजेंट मैटर कौन सी ब्रांड है आपके लैपटॉप की, या क्या है, कौन सी ब्रांड है, कौन सी जनरेशन है, कौन सा प्रोसेसर है, बस अगर उसकी स्पीड अच्छी है, सही स्मूथली काम करता है, तो भाई उस लैपटॉप को ले आना। तो भाई अगर अब बात करें उन लोगों की जो बोल रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो कोई लैपटॉप ही नहीं है, कोई फ़ोन ही नहीं है, वैसे तो ऐसे लोग होते नहीं है जिनके पास फ़ोन नहीं हो, पर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इतने शरीफ बन रहे हैं भाई ना फ़ोन है ना लैपटॉप है हम क्या करें, तो भाई उनके लिए यही एडवाइस है कि भाई आप जब डेनमार्क में आ जाओ तो या तो आप यहाँ से सेकेंड हैंड लैपटॉप्स वगैरह ख़रीद लो, यहाँ पे सेकेंड हैंड शॉप्स होती हैं। तो मेरे साथ में काफ़ी सारे बच्चे आए थे स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे मेरे कॉलेज में आए, तो उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आके सेकेंड हैंड लैपटॉप्स ख़रीद लिए थे, और जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था भाई मेरे वाले डिसीजन से। इतना घटिया मैं लैपटॉप लेके आया, उसके बाद उन्होंने सेकेंड हैंड लैपटॉप ख़रीदे, सस्ती रेट में ख़रीदे यहाँ पे आने के बाद में, और इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे वो, बहुत बढ़िया। तो भाई ये मेरा डिसीजन था। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो नया नए लैपटॉप नए फ़ोन लेने की, तो भाई वो मैं कहूँगा कि आप डेनमार्क आके ही ख़रीदो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपना लैपटॉप या फ़ोन ख़रीदोगे तो उसकी गारंटी वारंटी सब आपके पास होगी, अपने हाथ में होगी, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप यहाँ की यहाँ दिखा सकते हो, इंडिया लेके नहीं भागना पड़ेगा अगर इंडिया से ख़रीदा होगा। तो ये एक चीज़ होती है, आप अपने दुकान वाले को पकड़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप बोलते हो कि यार हमारा तो वीज़ा लगाने में, हमारी फ़ाइल लगाने में, उसके अलावा हमारी कॉलेज फ़ीस भरने में, वर्क एक्सपीरियंस जो भी हो, मतलब उन सबको पैसे भरने में हमारा बजट जो है ढीला हो चुका, तो भाई एक ऑप्शन होता है आप डेनमार्क में आके यहाँ पे फ़ोन ख़रीद सकते हो इंस्टॉलमेंट्स पे। तो आपको लगभग मतलब महीने के 200 क्रोन पे करने होंगे हर महीना, और आपका नया फ़ोन, आपको जो भी लेटेस्ट फ़ोन लैपटॉप या कोई सस्ता लैपटॉप फ़ोन जो भी लेना है नया ख़रीदना है, तो भाई आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी ख़रीद सकते हो। तो आपको इतना कोई नहीं होगा कि आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करना है, तो आप मंथली पेमेंट के बेसिस पे भी ले सकते हो उसको।